नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका भाई और दोस्त सेंटी जॉट आ चुका हूँ बहुत ही खास न्यूज़ लेके आपके लिए। जैसे कि आपको पता है कि कल जो है आपका कैप्टन का अनाउंसमेंट होने वाला है कि कौन कौन से कैप्टन कैप्टनसी करेंगे ओलंपिक में। तो भाई 6 बेस्ट कैप्टन्स जो है TGA ने अपने कन्फर्म कर दिए। मैं आपको बता दूँ ये बात, जो 6 बेस्ट कैप्टन है वो TGA ने अपने कन्फर्म कर दिए। तो कल भूलना मत योद्धा गेमर्स चैनल पे, यानी इसी चैनल पे आपको कल 9 बजे रात को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से वो लकी कैप्टन्स होंगे जिनको मौका मिलेगा कैप्टनसी करने का इस बड़े मंच पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। अगर एक्साइटेड हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कैप्टन्स मतलब चुने गए हैं जो कि बेस्ट कैप्टन्स है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की कि जो मैं अब लेके आया हूँ। तो अब मैं कुछ प्लेयर्स के स्टेट्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, तो मैं उनके स्टेट्स लेके आया हूँ उसके सामने मतलब आपको बताऊँगा कि कौन कौन से आपको प्लेयर्स अच्छे रहेंगे जो आप बाय करोगे। यानी दोस्तों जो लकी कैप्टन्स है वो कौन कौन से प्लेयर्स उनमें उनको फ़ायदा रहेगा, उनको बाय करने में कौन कौन से प्लेयर्स उनको कम दाम पे मिल सकते हैं, ये तो यार ऑक्शन में ही पता चलेगा। लेकिन क्या अच्छा एडिशन हो सकता है इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम में, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो कुछ मैं प्लेयर्स के आपको स्टेट्स दिखाऊंगा टाइगर ग्रुप में जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बहुत अच्छी मतलब उपाधि हासिल किया इस ग्रुप में। तो चलते अपने फर्स्ट प्लेयर की तरफ। हमारे जो फर्स्ट प्लेयर है वो है चिंटू MJ, जो अब मैं आपको इनके स्टेट्स दिखा रहा हूँ। इन्होंने मैचेस कितने खेले, 276 मैचेस खेले, जिसमें से वॉन कितने किए, 211 मैचेस इन्होंने वॉन किए है। रन्स इनके 7623 है और विकेट्स जो है 365 है। तो यार काफ़ी कमाल के स्टेट्स है चिंटू MJ भाई के, तो काफ़ी बेहतरीन एडिशन हो सकती है आपकी टीम में। लेकिन यार ऑक्शन में ना इनकी जो बिड है वो भाई टॉप पे रहेगी, बॉटम टू टॉप जाने में इनकी बिड को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये अगर आपको इनको ऑक्शन में लेना है तो थोड़ा माइंड दिखाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है ये, उम्मीद है आप इनको ले पाओ अपने ऑक्शन में, जिसको लेना है वो ले पाए। लेकिन इनकी जो बिड है वो बहुत हाई जाने वाली है। अब चलते अपने सेकेंड प्लेयर की तरफ। अब हमारे जो सेकंड प्लेयर है वो है प्रभु। प्रभु ने भाई टाइगर ग्रुप में मैचेस जो है बहुत कम खेले, लेकिन भाई इनका जो आप प्रदर्शन देखेंगे ना इन 14 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बड़े लेवल का प्लेयर है, बड़े मंच का प्लेयर है, ये काफ़ी मंजा हुआ खिलाड़ी है। तो 14 मैचेस खेले उन्होंने, 11 मैचेस विन किए है और इनमें से इन्होंने 18 विकेट लिए है और जो कि रन्स है वो 505। तो काफ़ी बेहतरीन इनके ये स्टेट्स हैं, उम्मीद है आपकी जो टीम है उसमें अच्छा एडिशन हो। और शायद इनकी बिड भी मुझे लगता है चिंटू MJ भाई से तो इनकी बिड कम ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो ग्रुप में हासिल किया है शायद अभी तक तो उन्होंने मतलब और किसी ने नहीं किया। तो यार ऐसे प्लेयर्स की जो तुलना है आपस में करनी वो तो ख़राब होगा, लेकिन मतलब हर प्लेयर का हर टीम में एक रोल होता है। तो यार प्रभु भाई है जो उनका रोल काफ़ी अहम होगा, ये काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। स्टेट्स पे मतलब अभी आप मजे, क्योंकि इन्होंने कम ही मैचेस खेले हैं, लेकिन यार ये अच्छा एडिशन होगा। अगर मैं कैप्टन होता तो पक्का प्रभु भाई पे मैं बिड करता। अब जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर निकल के आ रहे हो पठान खान भाई, तो भाई इनके पास काफ़ी स्किल्स है गेम्स की, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है गेम का, ठीक है। तो इनको यार नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं, यार ये मजाक था, सीरियस मत लेना। काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है यार, 74 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 41 मैचेस इन्होंने विन किए। रन्स जो है इनके 1684 रन्स है और 34 विकेट्स है। तो यार ये गैसिंग ज़्यादा कराते हैं, तो भाई इनका गैसिंग गेम काफ़ी बेहतरीन है। बैटिंग में भी इनकी गैसिंग बहुत अच्छी है और भाई बॉलिंग तो कमाल की है। अगर आप इनसे कभी खेलोगे तो आप इनकी बॉलिंग के दीवाने हो जाओगे। तो यार बेहतरीन प्लेयर है ये भी, काफ़ी बेहतरीन एडिशन हो सकते हैं ये भी। शायद बिड जो है इन पे भी मतलब इतनी, इन पे भी बिड इतनी कम ना रहे, थोड़ी ज़्यादा ही जाए, लेकिन ये भाई काफ़ी बेहतरीन एडिशन हो सकता है आपकी टीम में। अब यार इनका कौन नहीं जानता, शोएब जुल्फिकर, यानी कि जुल्फी भाई, जिन्होंने मैचेस खेले 212 और विन किए 124। तो यार स्टेट्स पे अभी ये स्टेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और रन्स देखिए 5899 रन स्कोर किए और 227 विकेट्स लिए। यार काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है ये भाई, इन पे भी बिड जो है थोड़ी हाई जाने वाली है। तो यार अपनी जो जेब है ना आप वो देख के खर्च कीजिएगा, कभी ये ना हो कि बड़े प्लेयर्स लेने के चक्कर में आप मतलब अपनी टीम ही ना बना पाओ। लेकिन जो भी करो ना ऑक्शन भाई, माइंड का गेम है, माइंड से खेलना। और शोएब जुल्फिकर भाई बेहतरीन एडिशन होने वाले है, ये कभी भी किसी प्लेयर को हरा सकते हैं। इनका गेम जो है वो भाई आउटस्टैंडिंग, आप देख सकते हैं स्टेट्स भी इनके काफ़ी बेहतरीन है। शायद ही मतलब टाइगर ग्रुप में चिंटू भाई, JD भाई के बाद, ताहिर जट भाई के बाद ऐसे स्टेट्स देखने को मिले। तो दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन एडिशन हो सकते हैं आपके स्क्वाड में। अब जो मैंने नेक्स्ट प्लेयर है वो है चरण भाई। चरण भाई का जो गेम है वो
पिछले कुछ समय में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब इन्होंने इनके स्टेट्स देखिए आप, 40 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 23 मैचेस विन किए हैं, 1071 रन्स है इनके और विकेट्स भी 42 है। तो यार अभी तक जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, एवरेज से ऊपर है इनका जो अभी तक प्रदर्शन है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्क्वाड हो सकते हैं। आपको लग रहा है ये अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन यार ये बिल्कुल भी अंडररेटेड प्लेयर नहीं है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बड़े से बड़े लीजेंड प्लेयर को भी मैच टक्कर का दे सकते हैं और उसको हरा भी सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये कुछ प्लेयर्स के स्टेट्स था मैं जो लेके आया था, आगे भी मैं लेके आऊँगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो। भाई ये जो स्टेट्स है वो पूरी TGA टीम यानी टाइगर ग्रुप्स ऑफ एडमिन्स ने मिलके हमें दी है, तो अब मैं ऐसे ही आगे उनके स्टेट्स आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि जो कैप्टन्स की लिस्ट अनाउंस होने वाली है कल, उनको कैप्टन्स को बताऊँगा कि यार कुछ अंडररेटेड प्लेयर्स भी है जो काफ़ी बेहतरीन है और उनको सब इग्नोर करते हैं, लेकिन अंडररेटेड इसमें कोई नहीं है। जो आज लेके आया हूँ, जो आज के प्लेयर्स है वो सारे हाईफाई, आप किसी को भी आप कम नहीं आँक सकते, एक से बढ़ के एक प्लेयर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।